एक दारोगा जी का कांड आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुरा शौकीन दारोगा जी ने वो कर दिखाया जो कोई भी करने से पहले सोचेगा जरूर। हुआ यूं कि छापेमारी कर इंस्पेक्टर ने पहले अवैध शराब पकड़ी और रिकॉर्ड में हेरफेर करके कम शराब की बरामदगी दिखाई और बाकी के कार्टन इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार जिनगर अपने सरकारी आवास पर ले गए। पुलिस विभाग ने उस इंस्पेक्टर के आवास पर गुरुवार की शाम करीब 7 बजे रेड डाली। मौके से चंडीगढ़ निर्मित शराब के एक दर्जन से ज्यादा कार्टन बरामद हुए हैं। आईजी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। खास बात यह है कि सराहनीय कार्य के लिए जिला स्तर पर ये सम्मानित हो चुके हैं। मामला पाली के सुमेरपुर का है। गुरुवार को सुमेरपुर थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार जिंदर के सरकारी क्वार्टर में पुलिस टीम ने दबिश दी। अब पुलिस का दावा यह है कि 4 दिन पहले 8 अक्टूबर की रात को उप निरीक्षक प्रकाश के पास सुमेरपुर SHO का चार्ज था और इसने DST के साथ मिलकर चंडीगढ़ से गुजरात जा रहे शराब से भरे टैंकर को पकड़ा था। टैंकर में 700 कार्टन थे। सुमेरपुर SHO ने FIR में महज 646 कार्टन ही जब्त बताए और बाकी के 54 कार्टन में से कुछ अपने लोगों में बांट दिए, बाकी अपने क्वार्टर में रख दिए थे। दबिश के दौरान उसी टैंकर में से पार किए 12 कार्टन पुलिस टीम ने सब इंस्पेक्टर प्रकाश जिनगर के क्वार्टर से बरामद किए हैं। इसका खुलासा होने पर अब IG रेंज पाली राघवेंद्र सुहास ने प्रकाश जिनगर को गुरुवार रात को निलंबित कर दिया। IG के निर्देश पर सिरोही के शिवगंज CO विवेक सिंह और शिवगंज थाना प्रभारी अचलदान रत्नू की स्पेशल टीम ने कार्यवाही के दौरान प्रकाश कुमार को कस्टडी में ले लिया। अपने ही महकमे के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही की चर्चा पूरे विभाग में हो रही है। IG राघवेंद्र सुहास ने बताया कि सुमेरपुर थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार जिनगर के सरकारी क्वार्टर पर अवैध शराब बरामदगी को लेकर एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। उससे पूछताछ कर शराब के कार्टन चोरी करने में शामिल अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका का पता लगा कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हरियाणा में गुजरात तक शराब सप्लाई में तस्करों से मिलीभगत कर लाइन चला कटिंग और डंपिंग करने के आरोप में तत्कालीन सिरोही SP हिम्मत अभिलाष टांक के साथ 7 SHO पहले निलंबित हो चुके हैं। पाली जिले में जब्त शराब में से पेटियां चोरी करने और अवैध रूप से अपने क्वार्टर में छिपाकर रखने का संभवतः यह पहला ही मामला सामने आया है।